आ गया हूँ मैं अपना चंडीगढ़ स्टेशन पे। 12:20 की ट्रेन है। देखो हवा की आवाज़ भी आ रही होगी, हवा इतनी प्यारी चल रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आज, बादल भी हो रहे हैं आसमान में और धूप ज़्यादा हो रही है। मुझे मेरा खाना मिल चुका है, ये दूसरी ट्रेन कोई खड़ी है सामने, अभी मेरी यहीं पे आएगी, प्लेटफॉर्म 3 पे आएगी। अभी टाइम है आधा घंटा, अभी ट्रेन में जाके मैं खाऊंगा भी थोड़ा बहुत खाना, पता नहीं लोग यहाँ कैसे देखते हैं। तो भाई मैं तो खा रहा नहीं हूँ, मैं तो खा रहा नहीं हूँ, ये खाएगा भाई साहब। कपड़ों पे गिर गया मेरे, दो तीन पीस थे इसके नसीब के बचे हुए थे, चट कर गया। अच्छा गाली दे रहा है कुत्ता खा के मुझे, जी गाल कट गया, गाली दे रहा है। साले दो पीस दिए तूने मुझे बस, वाह। बताओ कैसा लगा, जब आपको कैसा लगा ओए, चला गया खा के आए आज, कैसा लगा खा के बताओ। कुछ जवाब नहीं देना, कुछ भी जवाब नहीं देना। अभी भी टाइम है यार, थोड़ा ट्रेन आने में जल्दी आ गया मैं, आज आधा घंटे से ज़्यादा जल्दी आ गया, 2 घंटे जल्दी आया। ट्रेन आ गई है मेरी, पश्चिम एक्सप्रेस। यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा मुझे, ताकि सीट गंदी ना हो जाए। मुझ पर कुछ टिश्यू वगैरह भी नहीं है और एक्स्ट्रा हैंकी रखा है, इसको ही ख़राब कर लेंगे। अरे हाँ ले लिया रोटी, खाना बन रहा था ना, हाँ जैसी वो आ रही है स्मेल रोटी में, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, घटिया एक्सपीरियंस। भाई साहब हाथ जोड़ लिए, इस ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाला मैं कभी। Thank you.
एक एडवाइस दूँ कभी ना इंडियन रेलवे में स्पेशली इस ट्रेन में, मैं इसको मेंशन कर दूँगा भाई, खाना मत खाना, आधे से ज़्यादा फेंक दिया मैंने, बहुत बुरा लग रहा है कि खाना वेस्ट हुआ। कच्ची सब्जियाँ, कच्ची रोटियाँ और जली हुई रोटी, स्मेल हो रही है बहुत ज़्यादा आटे में भी जिससे बनाई है रोटी को, पनीर के नाम पे पनीर ही नहीं, दाल के नाम पे अजीब स्वाद आ रहा है भाई। तो अपनी तबीयत ख़राब करने से अच्छा है कि बाहर से ऑर्डर कर लो या भूखे रह लो। 150 रुपये का खाना तुम यहाँ ऑर्डर करो, घर जाकर 1000 रुपये डॉक्टर को फीस दे दोगे, 7 दिन दवाई खाओगे, बहुत महंगा बैठ जाएगा। चावल मैंने मतलब 2 बाइट लिए तो टेस्टलेस, उसमें टेस्ट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब कुछ ऐसी खा रहा हूँ उठा के बिना टेस्ट को, उसका सब मतलब मीठापन निकाल दिया, ठीक है, मतलब कि उस चावल की हर चीज़ निकाल दी, ठीक है, हर चीज़ निकाल दी, तो ऐसे मैं ऐसी खा रहा हूँ, कुछ कुछ स्वाद नहीं आया जीप पे भाई। मैं इस ट्रेन को ज़रूर मैंशन कर दूँगा, इसमें खाना वाना मत खाना, बस सब खा लो, चाय वगैरह पी लो, अगर अपनी तबीयत वगैरह ठीक रखनी है, फूड पॉइजनिंग नहीं कर दी तो खाना मत खाना, क्योंकि यहाँ पे जो सैलड जो काट रखा था तो वही बहुत ही गंदे तरीके से काटा हुआ था, वो दिख रहा था अलग ही, उसकी कंडीशन दिख रही थी सैलड की भी, बेकार था यार एक्सपीरियंस इस ट्रेन के साथ, घटिया, यूजलेस, बर्बाद 150 रुपया।